रास्ते पर चलाने वाली पार्टी है। अभी कुछ ही दिन पहले लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव में ये हरियाणा की जनता ने मोदी जी पर कृपा कर दी, भोले शंकर की तरह कृपा कर दी और मोदी की जी की झोली में कमल ही कमल डालकर उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा की जनता ने किया। पूरे देश में 300 से ज्यादा सीटें आई और 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए। मित्रों, उसका पहला ही सत्र आया और पहले ही सत्र में देश की जनता ने जो 300 सीटें दी थी, मोदी जी ने 370 धारा को हटाकर देश की जनता की सालों की ख्वाहिश समाप्त। 70 साल हो गए, कितनी पार्टियां आई, कितने मुख्यमंत्री आए, कितने प्रधानमंत्री आए, किसी ने धारा 370 हटाने की हिम्मत नहीं की। आप सबने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, पहले ही सत्र में धारा 370 को हटाकर हमारे कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किया। मित्रों, धारा 370 के कारण पाकिस्तान कश्मीर के युवाओं को गुमराह करता था, उनके हाथ में हथियार पकड़ा था और आतंकवाद का दौर ऐसे चला कांग्रेस के शासन में 90 से लेकर आज तक 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के कारण मारे गए, मगर धारा 370 कांग्रेस नहीं हटाती थी। मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया और एक कठोर संदेश भेजा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब आतंकवाद का नामो निशान इस देश के अंदर हम नहीं रहने देंगे। मित्रों, एक और भारतीय जनता पार्टी, उसके साथी दल और ढेर सारी पार्टियां धारा 370 का हटाने का समर्थन कर रही थी और दूसरी ओर एक कांग्रेस पार्टी थी जो 370 हटाने का विरोध कर रही थी। और ये मित्रों, कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी जब भी राष्ट्रवाद का सवाल आता है उनको सांप सूंघ जाता है, सांप सूंघ जाता है। अपनी वोट बैंक के कारण वो स्टैंड नहीं ले सकते। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की सरकार 10 साल चली, मौनी बाबा मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, पाक प्रेरित आतंकवादी भारत के अंदर घुसकर हमारे जवानों का सर काटकर उसको अपमानित करते थे, मगर मौनी बाबा के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती थी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, उरी में पुलवामा में हमला किया, मगर इस बार सरकार कांग्रेस की नहीं थी, इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं थे, 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जैसे ही उन्होंने उरी पर हमला किया, पुलवामा में हमला किया, नरेंद्र मोदी जी ने हुक्म किया हमारी सेना के वीर जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा बुलाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर वापिस आए। और जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करी, एक कांग्रेस के अध्यक्ष उस वक्त राहुल गांधी थे, उन्होंने कहा आप जवानों की खून की दलाली करते हो। मित्रों, ये हरियाणा वीर भूमि, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से कोई गांव का बेटा शहीद नहीं हुआ है। भारत की रक्षा करते करते अपना सर्वोच्च बलिदान नहीं दिया है। मित्रों, मैं आज पूछने आया हूं,
राहुल गांधी जी, जवानों की शहीदी की भावना को आप दलाली शब्द प्रयोग करते हो। कभी जब जवान शहीद होता है उसकी बूढ़ी मां के आंख में आंसू देखे हैं, उसकी विधवा का आक्रंद आपने देखा है, उसके यतीम बच्चों का रोना आपने कभी सुना है क्या? आपको मालूम नहीं है आपकी सरकारों ने कभी नहीं हुआ किया? नरेंद्र मोदी जी ने अपने जवानों के खून का बदला लेकर पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। ट्रिपल तलाक हटाते हैं वो विरोध करते हैं, ती गांव वालों बताओ ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? धारा 35 से हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं हुडा साहब को, हुडा साहब जब भी सत्ता में थे एक गांधी परिवार के दामाद के लिए हरियाणा की किसान की जमीन खाने का काम आपने किया है, जमीन खाने का काम, और यही लोग उनकी दलाली करते थे। मैं आज इतना कहना चाहता हूं हरियाणा की जनता के सामने स्पष्ट कर दे कांग्रेस पार्टी कि धारा 370 हटाने के पक्ष में आप हो या नहीं। मित्रों वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको देश की जगह उनकी सत्ता प्यारी है, उनकी वोट बैंक प्यारी है। और इसीलिए जब जब कांग्रेस की सरकार आई भ्रष्टाचार बढ़ा, गुंडागर्दी बढ़ी, जातिवाद बढ़ा, और भाजपा की सरकार आई विकास बढ़ा, सबका विकास हुआ, पूरे हरियाणा का विकास हुआ और भ्रष्टाचार समाप्त हो गया। मुझे बताओ मित्रों, मनोहर लाल जी की सरकार है, इतनी सारी नौकरियां दी, किसी को जेल जाना पड़ा है क्या? नौकरी के लिए जाना पड़ा है बताओ भाई? किसी की सिफारिश लेनी पड़ती है क्या? ट्रांसफर हो, नौकरी देना हो, जिनका मेरिट है उसको हो जाता है। मित्रों ये फरीदाबाद और गुड़गांव जिला, ये दो ही क्षेत्र से हरियाणा का 56% 50% से ज्यादा टैक्स यहां से ही आता है, मगर कांग्रेस के शासन में ये दो जिलों का विकास नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर विकास का काम किया, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के समय में यहां पर दामाद के साथ जगह इकट्ठा करने वाले लोगों को एमएलए बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। मित्रों मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे हरियाणा को केरोसिन मुक्त करने का काम किया है। आज हर घर में गैस का सिलेंडर है, कई जिलों में 24 घंटा बिजली पहुंचाई है और कई जगह पे ढेर सारे विकास के काम किए हैं। इसके साथ साथ हम हमारा संकल्प पत्र लेकर आए हैं, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सहकारी बैंकों से लिए हुए फसली ऋण में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ब्याज और जुर्माना ये मनोहर लाल की सरकार दोबारा चुनने के बाद माफ करने वाली। 3 लाख तक का किसानों को फसली ऋण ब्याज मुक्त देने वाले, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीदी करने वाले हैं और हरियाणा के हर घर के अंदर नल से पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। 500 करोड़ रुपए के खर्चे से युवाओं को स्किल देंगे, पूरे घरों पर सौर ऊर्जा के यंत्र लगाकर बिजली मुफ्त में मिले, इस प्रकार का काम करेंगे। हर जिला मुख्यालय पर
शहीदों का स्मारक बनाएंगे और सभी पेंशन को 3,000 रुपये तक बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली। मित्रों, आने वाले दिनों में ऊपर मनोहर लाल की सरकार और नीचे ऊपर मोदी जी की सरकार और नीचे मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगी। मित्रों, कुंडली मानसरोवर पलवल एक्सप्रेस, उसका काम हमने पूरा किया। पृथला से सोनीपत तक एक 5500 करोड़ रुपया की रेलवे चालू करी। फरीदाबाद मथुरा राजमार्ग को 6 लाइन का बनाया। फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए 400 करोड़ का मांझवाली पुल का निर्माण का काम चालू है और गुरुग्राम और फरीदाबाद में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की रचना की, ढेर सारे काम किए। मैं आज श्री हुड्डा जी को पूछने आया हूं कि आपकी सरकार 10 साल तक यहां चली, केंद्र में भी आपकी पार्टी की सरकार थी, केंद्र से हरियाणा को आपने क्या दिया उसका जरा हिसाब किताब ये हरियाणा की जनता को दीजिए। तिगांव वालों बताओ, उन्होंने 10 साल तक क्या किया, इसका हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, वो नहीं देंगे, मगर मैं लेकर आया हूं। 13वां वित्त आयोग था, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, यहां हुड्डा जी की सरकार थी, हरियाणा के विकास के लिए सिर्फ 22,000 करोड़ रुपया दिया था, सिर्फ 22,000। और नरेंद्र मोदी सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए 14वें वित्त आयोग के अंदर कुल मिलाकर 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,17,028 करोड़ रुपया देने का काम किया है, 5 गुना रुपया ज्यादा दिया है, जिसमें रेलवे के लिए 6,000 करोड़, कुंडली मानेसर के लिए 10,000 करोड़, स्मार्ट सिटी के लिए 200 करोड़, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जज्जर में 2,000 करोड़, अमृत मिशन के 2,300 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2,400 करोड़, NHI राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 3,500 करोड़, ढेर सारे काम हरियाणा के विकास के हमने किए हैं। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, दुनिया में। मित्रों, अभी अभी मैंने एक भाषण किया कि हम NRC लाएंगे, घुसपैठियों को निकालेंगे, तो कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो गया, उन्होंने विरोध चालू किया। मुझे बताओ तिगांव वालों, इस देश से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी कहती है घुसपैठियों को क्यों निकाल रहे हो, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, कहां रहेंगे? हुड्डा साहब, आपके मौसेरे भाई लगते हैं क्या, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो आप? मित्रों, उनको विरोध करने दो, मैं बता देता हूं 2024 के पहले इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार करने वाली। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 21 तारीख को चुनाव है, हमारे 3 प्रत्याशी यहां उपस्थित, आगे आ जाओ भाई, तीनों लोग, अकेले राज नागर जी है, राजेश नागर यहां आए हैं, आप मुझे बताओ प्रचंड बहुमत से राजेश नागर को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? खट्टर जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? धारा 370 हटाने के लिए मोदी जी का समर्थन करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की, वंदे मातरम।